हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और सबको गुड मॉर्निंग देखो मॉर्निंग की अभी टाइम है तो इन बहुत सारे जो लैंड लोटस है वो खिला है स्थल पद्म जिसको बोलते हैं इसको पद्म भी बोलते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाओ तो बारह महीने खिलने वाला जो प्लांट होती है उसकी प्लांट ही आप लाओ क्योंकि ये बारह महीने ही फ्लावरिंग करती है और कोई कोई प्लांट है सिर्फ आपको सीजन सीजन में ही आपको फ्लावरिंग देगी तो हमारी ये जो प्लांट है ये बारह महीने खिलने वाला प्लांट है एक ही कटिंग मैंने इसको लगाई थी और आप देख सकते हो पूरी तरीके से चारों तरफ से फैल चुके हैं तो इस पर ढेर ढेर अभी आने लगी है लगभग हजारों फ्लावर इस पर दस बारह दिन में खिल चुके हैं लेकिन पूरे साल ही इसमें एक दो फ्लावर करके खिलती रहती है तो इसकी फुल केयर के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी, खाद वगैरह सब कुछ बताऊँगी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए तो फ्रेंड्स ये स्थल पद्म की प्लांट है इसको आप अभी नर्सरी से ला सकते हो या फिर इसको आप कटिंग भी लगा सकते हो इसको लगाने के लिए जो पॉट आप लोगे क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा फैलता है जितना ये प्लांट फैलेगा उतना ही आपके प्लांट पे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी इसके लिए आपको इसको पहले दस बारह इंच का गमला देना चाहिए उसके बाद आप धीरे धीरे जब रिपोर्ट करोगे तो इसके जो पॉट है वो अच्छी तरीके से थोड़ी सी बिग साइज़ का आप लेना पड़ेगा अच्छे होल होना चाहिए और इस पर ताकि ड्रेनेज होल से पानी जल्दी से निकल जाए दूसरी बात है इसकी सॉयल इसकी सॉयल अगर आप बहुत अच्छे से बनाओगे तो बहुत सारी फ्लावरिंग होगी पॉट पे भी लगाने से मेरी ये प्लान ग्राउंड पे लगाया हुआ है तो इस पे धेध पर ढेर ढेर कलिया और फ्लावरिंग भी हो रही है तो पॉट पे लगाने से आपको क्या करना पड़ेगा जो फिफ्टी परसेंट गार्डनिंग सॉरी फिफ्टी परसेंट आपको गोबर खाद लेना पड़ेगा टेन परसेंट आप इस पर वर्मी कम्पोस्ट टेन परसेंट आप इस पर गार्डनिंग सॉयल उसके बाद बोन मिल नीम खली फंगड मिला के अच्छी तरीके से बहुत ही फर्टाइल मिट्टी आपको बना के आप इसको लगाओ इसके कटिंग लगाओ या फिर आप इसकी प्लांट लगाओ नर्सरी से ला के तो आपकी प्लांट बहुत अच्छे से चलेगी ये प्लांट ग्राउंड पे लगाया हुआ है सिर्फ एक स्टेम थी इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अभी आप देखो ढेर ढेर जो इस पर स्टेम है ये हो गई है ठीक है तो इसका मेन कारण है इसको मैंने प्रूनिंग कर दी थी इस प्रूनिंग की वजह से ये प्लांट अच्छे से बहुत सारे स्टेम निकाल के अच्छी तरीके से अपने आप को फैला चुकी है तो दूसरी बात है इसकी प्रूनिंग तो प्रूनिंग आप लगाने के बाद लगभग दो महीने बाद आप इसको पिंच करते रहो ऊपर से तो आपकी प्लांट बहुत सारी स्टेम निकलवाएगी और आपकी प्लांट फैलेगी भी तीसरी बात है इसकी सनलाइट लगभग इसको पाँच छः घंटे की धूप जहाँ लगती हो उस जगह पे आप रखो पॉट पे लगाते हो ग्राउंड पे लगाते हो तो ऐसी जगह पे ही आप इसको लगाओ पाँच छः घंटे की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है फ्लावरिंग करवाने के लिए दूसरी है इससे फ्लावरिंग जो वाटरिंग आप करोगे इसको मॉइस्चर मिट्टी बहुत पसंद है इसके लिए हर रोज़ ही आप चेक कर करके आप इसको पानी दो खाद की अगर बात करो तो आप इसको लगभग जो खली का पानी है या फिर एज ए पाउडर आप देना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार आप खली का पानी घोल के आप इसको यूज करो ताकि ये प्लांट अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रोथ करवाए नाइट्रोजन बेस्ड जो भी खाना आप इसको दे सको दो और फिर आप इसको बीच बीच में एक मुट्ठी करके बोन मिल लगभग एक हफ्ते एक दो हफ्ते बाद बाद, बाद बोन मिल एक मुट्ठी उसके दु, एक दो हफ्ते बाद आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से आप घुमा फिरा के आप इसको दो आप इसको पोटाशियम भी दे सकते हो सभी जो फर्टिलाइजर के बीच में आप एक बार इस पर एक चम्मच पोटासियम का इस्तेमाल भी कर सकते हो ताकि आपके जो प्लांट है फ्लावरिंग के लिए रेडी हो ठीक है तो इस तरीके से आप इसको खाद दे सकते हो अगर इसकी जो इंसेक्ट की बात करूँ तो नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मेरी ये प्लांट पे कोई इंसेक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक होते हैं तो नीम ऑयल का भी स्प्रे आप हर रो जो हर हफ्ते में आप इसको स्प्रे करो या फिर कोई भी बेबी शैम्पू का इस्तेमाल आप करो उसके साथ में तो आपके प्लांट अच्छे से जो इंसेक्ट फ्री रहेगी और ढेर ढेर लिए भी आएगी तो कलिया ना गिरे इसके लिए आप बीच बीच में आप इस पर का पानी का इस्तेमाल ज़रूर से ही करो ताकि इसकी कलिया जो है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो करे और इसकी कलिया ना गिरे तो इतनी ही थी इसकी देखभाल और आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से अगर देखभाल करोगे तो आपके प्लांट पे ढेर ढेर कलिया भी आएगी और फूल भी खिलेंगी कोई इंसेक्ट फ्री रहेगी और अपने आप को फैला के बहुत सारी फूलों से आपके प्लांट भर जाएगी तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल पे बनी रहिए मेरे चैनल देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे रहिए खुश रहिए और गार्डनिंग कीजिए